हेलो फ्रेंड्स, मैं फरजाना, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AF हेल्थ टॉक पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बालों से जुड़ी समस्याओं का के बारे में। दोस्तों, लड़का हो या लड़की, सभी की चाह होती है कि उसके बाल सुंदर और आकर्षक दिखे। सभी चाहते हैं कि उनके बाल लंबे, सिल्की और शाइनी नज़र आए। लेकिन आजकल के पॉल्यूशन में और हमारे ख़राब डाइट्स की वजह से, ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से हमारे बाल पतले होने लगते हैं और झड़ने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं बाल हमारे और समय से पहले ही सफ़ेद या भूरे पड़ने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इन सारी परेशानियों से परेशान हैं तो अपनी परेशानी को करिए बाय बाय, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसा नुस्खा और एक ऐसा तेल जिसको अप्लाई करके आप अपनी बालों से जुड़ी सभी समस्याओं को कर सकते हैं दूर। जैसे बालों का झड़ना, बालों का कमज़ोर होना या पतला होना, बालों में डेंड्रफ होना या बालों में खुजली होना, किसी भी तरह की समस्या को आप दूर कर सकते हैं इस नुस्खे को लगाकर। तो चलिए जानते हैं दोस्तों नुस्खे के बारे में। लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन है उसको क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ की हमारी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलते रहें और आप हमारे साथ यूं ही हमेशा बने रहें। चलिए जानते हैं दोस्तों नुस्खे के बारे में। दोस्तों, एलोवेरा हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पे हम एलोवेरा ऑयल कैसे तैयार करेंगे। एलोवेरा में दोस्तों हम अमीनो एसिड और प्रोटियोलेटिक एंजाइम होता है, जो कि हमारे स्कैल्प को हेल्दी रखता है, और इसमें मौजूद एंटीसेप्टिक और एंटीफंगल हमारे डेंड्रफ को और किसी भी तरह के हेयर इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। दोस्तों, हमें एलोवेरा का एक लीफ लेना है, उसके ऊपर की परत निकाल के हमें उसका जेल निकालना है। दोस्तों, एलोवेरा सभी के घर में आसानी से मौजूद होता है, सभी इसका प्लांट लगाते हैं, और नहीं भी अगर घर में नहीं भी है इसका प्लांट तो आपको इजीली ये कहीं भी मिल जाता है मार्केट में या आसपास। तो आप उसका एक लीफ लीजिए और उसका ऊपर का परत निकाल के आप उसका अंदर का जेल निकाल के एक कटोरी में, एक बाउल में आप उसे इकट्ठा कर लीजिए। ऑयल बनाने के लिए दोस्तों हमें सेकेंड चाहिए अनियन। दोस्तों, रेड अनियन होना चाहिए। दोस्तों, अनियन में सल्फर होता है, जो कि हमारी बॉडी को, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है। इसमें मौजूद न्यूट्रिशन जो होते हैं वो हमारे बालों की गिरने की समस्या को ख़त्म करते हैं। इसमें कैटलेस एंजाइम होता है, जो कि हमारे बालों को काला करता है और हमारे बालों को थिक्की, सिल्की और शाइनी बनाता है। हम अनियन का क्या करना है दोस्तों, अनियन का आप बारीक बारीक काट लीजिए और काट के उसे ग्राइंडर में ग्राइंड करके निकाल लीजिए। अब उसे छन्नी से या कपड़े से छान के उसका रस निकाल के कटोरी में ले लीजिए। प्याज का रस एक कटोरी में निकाल लिया। उसके बाद हमें इसके अलावा चाहिए दोस्तों नारियल का तेल। दोस्तों, नारियल के तेल में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे बालों की प्रोटीन की कमी को ख़त्म करता है और हमारे बालों को मजबूत बनाने में हमारी बहुत मदद करता है। दोस्तों, इस ऑयल को तैयार करने के लिए हमें इन तीनों चीज़ों की मात्रा सेम क्वांटिटी में चाहिए। हम जितना ही जेल लेंगे उतना ही प्याज का रस और उतना ही हमें कोकोनट ऑयल भी चाहिए। हम एक बाउल में जितना हमने जेल निकाला है हम उसे लेंगे, उसी में हम प्याज का रस डालेंगे और सेम क्वांटिटी में हम कोकोनट ऑयल डाल के अच्छे से उसे मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, हमें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक ये तीनों आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। मिक्स होने के बाद दोस्तों आप इसे कॉटन बॉल की हेल्प से अपने स्कैल्प पे और पूरे बालों पे इसको अप्लाई करें और हल्के हाथों से 5-10 मिनट तक इसका मसाज करें। मसाज करने के बाद दोस्तों आप इसे कोशिश करें कि आप इसे, वैसे 1 या 2 घंटे के बाद भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन आप ट्राई करें कि आप पूरी रात के लिए इसे छोड़ सकें। अगर आप उसे पूरे रात के लिए रहने देते हैं अपने बालों में तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप इसे रात भर अपने बालों में लगे रहने दें ऑयल को, और सुबह होके आप इसको वॉश कर लें और वॉश करके अपने बालों को सुखा लें। दोस्तों, अगर आप ऐसा लगातार करते हैं तो आपके बाल बहुत ही जल्दी सिल्की और शाइनी और घने और मजबूत हो जाएंगे। आप इस तेल को हफ्ते में 2 बार या 3 बार अप्लाई करें। 2 या 3 बार आप इसे अप्लाई करेंगे तो आप इसका फ़ायदा और आप इसका अंतर अपने बालों में 15 दिन के अंदर ही देख पाएंगे। आप 15 दिन के अंदर ही आपको फील होगा कि आपके बालों में बाल आपके घने हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं और झड़ नहीं रहे हैं। दोस्तों, इसका अगर आप लगातार सेवन करते हैं, अगर आप लगातार इसको लगा रहे हैं, लगातार आप इसका अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके बाल बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही जल्दी और आसानी से बड़े, घने और लंबे हो जाएंगे, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे, कायले और स्मूथ हो जाएंगे आपके बाल। इसके अलावा दोस्तों आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें इसके साथ ही, जैसे कि आप रोज़ाना, अगर आप हेयर वॉश कर रहे हैं तो आप गर्म पानी से हेयर वॉश ना करें।
आप रोजाना शैम्पू ना करें, कभी कभार आप हफ्ते में 2 या 3 बार शैम्पू करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप गीले बालों में दोस्तों कॉम ना करें, अगर आपको कॉम करना है तो आप कोशिश करें इस तरीके का कॉम का आप इस्तेमाल करें, मोटे कॉम का आप इस्तेमाल करें, इससे बाल गिरते नहीं हैं, झड़ते नहीं हैं, जल्दी टूटते नहीं हैं। और रोज़ाना अगर आप जब भी आप हेयर वॉश कर रहे हैं तो आप ट्राई करें, ट्राई अवॉइड करें आप इस तरीके से अपने बालों को टॉवल में नहीं लपेटें। आप जब भी हेयर को वॉश करते हैं तो बाल हमारे बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, तो इस तरीके से अगर हम बालों को अपने टॉवल में लपेटते हैं तो हमारे बालों को टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से आप बालों को लपेटने से बिल्कुल ही अवॉइड करें। अगर आप ये सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं दोस्तों, अगर आप इस नुस्खे को अपनाते हैं और साथ ही इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से आपके बाल लंबे और घने नज़र आएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक करें, कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी के पास पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग AF हेल्थ टॉक। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।